बेहतर यही होगा कि आप इस बच्चे को गिरा दें, आप इस बच्चे को गिरा दें, आप इस बच्चे को गिरा दें। क्या और मैं सोनू, तू कैसे भाई? क्या बता यार, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई? यार तू तो जानता ही है, मेरे दो बच्चे पहले खराब हो चुके हैं। अब डॉक्टरों का कहना है कि बच्चेदारी में पानी की कमी के कारण बच्चा सिकुड़ने लगा है। उनका ये भी कहना है कि माँ और बेटे में से सिर्फ एक ही को बचा जा सकता है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूँ? तो फिर मेरी बात मानेगा ना तू? ऐसे कर, गुरुसर मोड़ी चले जा, वहाँ पिताजी के बच्चे नए सतगुरु जी के भी, जो भी यहाँ श्रद्धा भाव से इंसान जो भी व्यवहार सेवन करेगा उसके सब संकट दूर हो जाएंगे। यार ऐसी बात है तो मैं आज ही गुरुसर मोड़िया जाऊँगा और वहाँ जाकर सच्चे मन से सेवा करते हुए ये अरदास करूँगा कि हे सतगुरु मेरी झोली खुशियों से भर दे। हमारे गांव से एक पच्ची मेंबर हैं शीशपाल जी, उन्होंने कहा तू मेरी मान और तू गुरसुर सेवा पे चला जा। तो मैं गुरसुर सेवा पे चला गया। वहां पिताजी ने कुछ वचन किए थे कि यहां जो सेवा करेगा रोग मिट जाएंगे, पाप कट जाएंगे, बिगड़े काम बन जाएंगे, आओ झोली भरवा लो। तो मैंने यही वचन सुनकर पिताजियों के वहाँ सेवा की। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हे सदगुरु मेरे मन की मुराद पूरी कीजिए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बधाई हो, आपकी बहू को बेटा हुआ है। आपकी बहुत बहुत बधाई हो मालिक ने सुन लिया। सब पूजा ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। आपके बहुत मुबारक मालिक। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ माँ। मुबारक हो बेटा, तो बाप बन गया। हाँ तेरा बेटा हुआ बेटे। क्या, ये तो खुशी की बात है। और पूजा, पूजा कैसी है? हाँ ठीक है बेटे, पूजा ठीक है। हाँ सतगुरु ने बहुत सुनी है बेटे।
हाँ तेरा बेटा भी ठीक है बेटे। अब तू एक काम कर, अपने पोते के साथ खुशियाँ मना और मैं जल्द ही आ जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तुझे लाख लाख धन्यवाद सतगुरु, तूने मेरी मुराद पूरी कर ली। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या बात है सोनू, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, किसका फोन था? अरे बात ही खुशी की है, माँ का घर से फोन आया था। अरे बाप बन गया हूँ यार। मुँह तो मिठक रहा है यार। हाँ हाँ अभी मुँह मिठक रहा था तेरा यार, तू बैठ यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सतगुरु तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे सतगुरु ने ख्याल दिया कि तू सिमरन कर, और मैंने सिमरन करते करते अरदास की कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, हे मेरे सतगुरु दाता, तू ऐसी दया बख्श कि दाता दोनों ही दोनों बच जाएं। सतगुरु ने ऐसी रहमत बख्शी कि मेरे वो जो अंदर की जो तड़फ थी वो मालिक ने कबूल की, और मेरे दास कबूल ऐसे हुई कि मेरा बच्चा वहाँ से नॉर्मल रिपोर्ट में आया। सोनू इंसान द्वारा सच्चे मन से की गई सेवा को कबूल करते हुए पूज्य सतगुरु ने न केवल उसके मन की मुराद ही पूरी की, बल्कि उसकी झोली को हमेशा के लिए खुशियों से भर दिया। सोनू इंसान की ही तरह राजू इंसान की पत्नी भी जब गर्भवती थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि गर्भ में पल रहे राजू के बच्चे की जान पर बनाई थी। आखिर क्यों और क्या हुआ था उस दिन, आइए देखते हैं।